प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने विपक्ष और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मतदाता देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन के लोग अपने स्वार्थों में अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादों को अब वायनाड से संकट दिख रहा है। शहजादा और उनकी टोली को 26 अप्रैल को वोटिंग के बाद इस शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित करनी है और ढूंढनी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन के भ्रष्ट नेता अपने परिवारों के हितों के लिए इकट्ठा हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बीच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हिमाचल प्रदेश प्रभारी सचिव और प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी तेजेंद्र सिंह बिट्टू ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की बेसिक मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे दिया। लोकसभा के बीच कांग्रेस को इससे बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने वाले तेजेंद्र सिंह बिट्टू भाजपा के दफ्तर पहुंचे और बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे हैं, जिसमें वो खुद भ्रष्टाचार विज्ञान विषय के तहत चंदे का धंधा समेत हर चैप्टर खुद विस्तार से सिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी की दान की रकम जुटा रखी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर ये बातें कही। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के विरोध में केंद्र में रखते हुए पीडीपी ने बीते दिन लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में महबूबा 370 हटाने के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का वादा तो करती हैं, पर कहीं भी उसे वापस लाने का वादा नहीं करती। इस घोषणा पत्र को महबूबा मुफ्ती और पीडीपी के 370 पर नरम पड़ते रुख का सबूत माना जा रहा है। यहाँ बता दें कि ये वही महबूबा है जिन्होंने चेताया था कि अगर अनुच्छेद 370 को छेड़ा गया तो कश्मीर में कोई तिरंगा थामने वाला नहीं मिलेगा। इस घोषणा पत्र में कश्मीर मसले के समाधान के लिए भी सभी संबंधित पक्षों से बातचीत और सुलह का राग अलापा गया है। हालांकि इसमें कहीं भी पाकिस्तान के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। 19 अप्रैल को देश के साथ साथ जम्मू संभाग के उधमपुर लोकसभा सीट पर पहले चरण का मतदान हुआ। जिला डोडा में भी मतदान सकुशल संपन्न हो गया। सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद थी कि जिला डोडा में किसी भी इलाके से कानून व्यवस्था संबंधी कोई घटना सामने नहीं आई। वहीं अब सभी दूर दराज इलाकों से कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों का डोडा पहुँचना शुरू हो गया है। डीसी डोडा हरविंदर सिंह, प्रशासनिक अधिकारी व एसएसपी डोडा द्वारा इन्हीं सब का स्वागत किया गया और ईवीएम को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के स्ट्रांग रूम में रखा जा रहा है, जहां से फिर इन्हें पूरी सुरक्षा के साथ उधमपुर पहुंचाया जाएगा। अखनूर क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में अपार प्रतिभा है, पर उन बच्चों को अपनी प्रतिभा में निखार लाने का मौका नहीं मिल पाता, जबकि हमारे ऑडिशन में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भाग ले रहे हैं और उनकी प्रतिभा में निखार लाने के लिए पूरा मौका दिया जाएगा। ये बातें जेआर जैक्सन ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए ऑडिशन में पीसी वैद स्कूल सुगल मोड़ समय सुबह 11 बजे अखनूर में कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे शामिल करके अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रेरित किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने नए आपराधिक न्याय कानूनों को समाज के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने आज कहा कि भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने नागरिकों से आम चुनाव में मतदान करने का अवसर न चूकने का अनुरोध किया। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ितों की हितों की रक्षा करने और अपराधों की जाँच के लिए ये बदलाव करना बहुत जरूरी था।